हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स आर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के बारे में, यानी कि NDCP 2018 के बारे में आर्टिकल है वो आया है। तो हम देखते हैं क्या है। देखो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिजिटल पॉलिसी थी, इंडिया की कम्युनिकेशन पॉलिसी थी, उसमें अभी थोड़े चेंजेस किए हैं, और जो कम्युनिकेशन पॉलिसी थी उसको रीडिजाइन करके उसका नाम रखा है डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है वो रखा गया है। तो वो अभी नहीं जारी किया 2018 के लिए। तो उसमें कौन कौन सी बातें की गई वो हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि उसमें की पॉइंट है। देखो, ये कीवर्ड्स एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह में, क्योंकि आज के टाइम पे हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट डिजिटल चीज़ों को काफ़ी प्रमोट कर रही है। हर जगह डिजिटल बनाने की बातें वो की जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक गाइडलाइंस हैं उनको देखा जा रहा है। तो उसी तर्ज के ऊपर डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 है वो लॉन्च की गई है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? एक तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिलेगा। देखो, अगर कोई भी काम डिजिटल होता है तो आप खुद देख सकते हो कि तो पेपरलेस बहुत सारे काम है, एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम हो जाते हैं। इसके साथ ही लचीली और किफायती डिजिटल जो इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज किया जाएगा। इसी के साथ अहम बात ये क्या है कि कम्युनिकेशन सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सर्विसेज है उनकी स्थापना की जाएगी। मतलब गवर्नमेंट ने इसमें कुछ प्रावधान रखे हैं। कौन कौन से प्रावधान है वो हम देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट ये चाहती है कि ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, इसके साथ गवर्नमेंट ने काफी टारगेट भी रखे हैं। और इससे देखो, कम्युनिकेशन अगर सेक्टर हमारा बढ़ता है, संचार सेक्टर अगर हमारा बढ़ता है, तो इससे लगभग 4 मिलियन जॉब है वो क्रिएट होंगे। और इसी के साथ ही अभी तक जो GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन है कम्युनिकेशन सेक्टर का वो है लगभग 6% के आसपास। तो गवर्नमेंट इसको चाहती है कि भाई 2020 तक इसको 8% तक कर दिया जाए। मतलब हमारी GDP के अंदर 8% जो योगदान है वो कम्युनिकेशन सेक्टर का होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट काफी सारे प्रयास है वो कर रही है। इसी के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, और 5G है उसको जल्द से जल्द लॉन्च करने की बात है वो यहाँ पे की जा रही है। और इनोवेशंस हैं कम्युनिकेशन सेक्टर में, उसके ऊपर फोकस है वो किया जा रहा है, ताकि नए आइडियाज हैं वो आ सकें और लोगों को नई से नई और बेहतर से बेहतर किफायती रेट पे सर्विसेज हैं वो मिल सके। देखो, आप लोग खुद जानते हो कि 2015 में जब जियो आया था, तो जियो के आने के बाद एक कम्युनिकेशन सेक्टर में क्रांति सी आ गई थी, कि काफी बड़ा मार्केट है वो तैयार हो गया था, और लगभग हर इंसान के पास, मतलब हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल आ गया और वो डिजिटल होने की तरफ अग्रसर है वो हो गया। तो जियो के बाद काफी कुछ चेंजेस हुए, उसी तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि अभी और भी तरह के चेंजेस हो। गवर्नमेंट का प्रावधान यह है कि ग्लोबल वैल्यू चेन है वो क्रिएट किया जाए, और उसके अंदर इंडिया का जो हिस्सा है उसको इंक्रीज किया जाए। इसी के साथ डिजिटल सॉवरेनिटी है 2022 तक वो अचीव की जाए। और ब्रॉडबैंड की जो बात की जा रही है उसका प्रावधान यह है कि हर इंसान को हमारे देश में कम से कम 50 MBPS का ब्रॉडबैंड है वो मिल सके, ये 2019 तक का टारगेट है, 20 तक का टारगेट है वो रखा गया है। इसी के साथ हर ग्राम पंचायत है वहां पे 2020 तक 1 GBPS की स्पीड कम से कम होनी चाहिए। और जो बात की जा रही है 2022 तक हर ग्राम पंचायत में 10 GBPS की स्पीड होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली ये डाटा तो आपको याद नहीं रखने की जरूरत है, बट यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही है कि भाई डिजिटल होना है तो एटलीस्ट इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर इंसान के पास होनी चाहिए। दूर दराज के एरियाज में ऐसा नहीं हो कि वहां पे इंटरनेट है वो बहुत स्लो चल रहा हो। तो गवर्नमेंट इस दिशा में लगातार फोकस है वो कर रही है, और अभी देखो काफी हद तक इसका अच्छा रिजल्ट देखने को गवर्नमेंट के द्वारा मिल भी रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे बात की गई कि कनेक्टिविटी है उसको भी और ज्यादा इम्प्रूव है वो क्या जाए, क्योंकि अभी काफी बार क्या होता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, बीच में कॉल अपने आप ड्रॉप हो जाती है। तो उन चीजों से निपटने के लिए कनेक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और अहम बात क्या है कि हमारे देश के अंदर फॉरेन से $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है कम्युनिकेशन सेक्टर में, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि FDI इंडिया में, उसकी तरफ गवर्नमेंट का फोकस लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही हमारे देश में जो मैन पावर है उसको स्किल प्रोवाइड करवानी है, और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो इकोसिस्टम है उसको बूस्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और इसी के साथ अहम बात क्या है कि भाई ये सब तो बातें की जा रही हैं, अब अहम बात सिक्योरिटी की आती है। तो डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, और प्राइवेसी है, सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन है, उन चीज़ों पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही हो, डिजिटल हो रहे हो कहीं ना कहीं, और हम पीछे भी रह जाएं। तो गवर्नमेंट चार डायमेंशन को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही ये जो काम है वो नेशनल फाइबर अथॉरिटी है उसके द्वारा नेशनल डिजिटल ग्रिड को डेवलप करने के तौर पर भी आगे इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है। तो ये देखो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 थी, उसके कुछ पॉइंट्स थे। बेसिकली ये मेंस के जो आंसर राइटिंग है उसमें काफ़ी हेल्पफुल है वो हो सकते हैं। प्रीलिम्स में तो इस पर कुछ फैक्ट्स बन सकते हैं ऑब्वियसली, बट फिर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है
क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं, कि है क्या पॉलिसी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है जीएसटीएन को लेके। तो एक बार देखते हैं कि जीएसटीएन है क्या। जीएसटीएन का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। देखो अभी आपको पता कि गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था। अभी जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया तो उसको कहीं नहीं कि कोई एक ऐसी बॉडी तो होनी चाहिए जो कि भाई जीएसटी के सारे टैक्स वगैरह उनको कलेक्ट करे। मतलब एक देखो जीएसटी में भी क्या है कि सारे काम ऑनलाइन है। अगर आपको टैक्स पे करना है तो भी वेबसाइट पे जाके पे करना है, रिफंड वगैरह सारा वहीं से मिलता है। तो भाई उस साइट को कोई ना कोई तो मेंटेन करना वाला चाहिए ना, कहीं ना कहीं उसको मतलब एक तरीके से ध्यान में रखने के लिए कि भाई उस पर काम वगैरह किया जा सके। तो इसीलिए जीएसटी नेटवर्क वो बनाया गया था। मतलब जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है वो बनाया गया था। और अभी देखो रिसेंटली इसमें हालात क्या था कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तो थी 49% हिस्सेदारी, और जो बाकी 51% जो हिस्सेदारी थी वो थी प्राइवेट सेक्टर की। उसमें कौन कौन था, जैसे कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, ICICI, LIC और NSE स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट है, इनकी बेसिकली हिस्सेदारी थी। तो अभी कंटेक्स्ट क्या है, अभी कंटेक्स्ट यह है कि गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि भाई जो जीएसटी नेटवर्क है ना इसको एक्चुअली 100% गवर्नमेंट के अंडर कम्युनिट है वो किया जा सके। मतलब गवर्नमेंट ओन कंपनी में गवर्नमेंट इसको ट्रांसफर करना चाह रही है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें लोचाई ना रहे। क्योंकि देखो जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सारे को कलेक्ट करने का काम जीएसटी के द्वारा ही, उनको मेंटेन करने का काम। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि अब भाई इसको 100% जो इसका IT बैकबोन है ये सारा काम है वो गवर्नमेंट के अंडर है वो होना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी बातचीत है वो कर रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि जीएसटी है क्या, कैसे काम करता है। अभी देखो ये ट्रांसफर हो जाएगा जब गवर्नमेंट के अंदर, तो ये यहाँ पे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बन सकता है कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है या फिर प्राइवेट ओन है, तो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है जनधन दर्शक एप्लीकेशन के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि अभी फाइनेंशियल सर्विस को लेकर गवर्नमेंट ने भी एक इंडेक्स जारी किया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, कल ही जिसे हमने डिस्कस किया था। तो उसी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए कि भाई लोगों को दूर दराज के एरियाज हैं वहाँ पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट किया जाए, मतलब उनको फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो मिल सकें इजीली, जैसे बैंक वगैरह हुआ या फिर और भी तरह की बीमा वगैरह होगी, इंश्योरेंस जैसी चीज़ें, ये उनको आसानी से मिल सकें। अब दिक्कत क्या होती है, लोगों को एक बार पता नहीं होता कि बैंक है कहाँ पे, ATM कहाँ पे है, इंश्योरेंस ऑफिस कहाँ पे है, LIC ऑफिस वगैरह कहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, मतलब अजीली ढूंढने के लिए जनधन दर्शक एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखना है। किस किस के द्वारा बनाया गया है, यह बेसिकली बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, इसी के साथ ही नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। काम इसका यही है कि जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की सर्विस है जैसे कि बैंक वगैरह हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ATM हो गया, कॉमन सर्विसेज सेंटर हो गए, जो इंश्योरेंस ऑफिस वगैरह होगी, इन चीज़ों के बारे में ये आपको बताएगा। आप क्या करेंगे, मैनुअली इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि मेरे नियर बाई ATM कौन सा है, मेरे नियर बाई बैंक वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह। एक तो उसमें क्या कि आपको डिस्टेंस बता देगा, फीचर्स बता देगा कि इस ब्रांच में ये फीचर्स अवेलेबल हैं, कॉलिंग का भी ऑप्शन वहाँ पे रहेगा तो आप कॉल भी कर सकते हो, मेल ID भी रहेगी, कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन रहेगी, बैंक्स वगैरह की सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब क्या होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं उनसे निपटना है तो वो सारी फैसिलिटीज आपको जनधन दर्शक एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल सर्विस के जो पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करने के लिए काफी हेल्पफुल है ये रहेगा। तो ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा लॉन्च है वो किया गया है। अब चलो आप पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन देखो दो स्टेटमेंट है बेसिकली, उन दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ध्यान से सुना है स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट है वो है CATS को लेके है, CA/TS को लेके है। CATS रिसेंटली न्यूज में था तो यह किससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने चार ऑप्शन है, सॉरी पहला तो यह है कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए है, दूसरा है कि लोइन कंजर्वेशन के लिए है, तीसरा है कि एलिफेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है और चौथा है कि टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि CATS स्टैंडर्ड्स किसके लिए हैं, क्यों न्यूज में थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि देखो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसी के बारे में देख लेते हैं, कल हमने इसे डिस्कस भी किया था तो बेटर है कि आज हम उसको क्वेश्चन की फॉर्म में एक बार थोड़ा रिवाइज है वो कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक जॉइंट इनिशिएटिव है।
ध्यान से सुनना, पहला स्टेटमेंट यह है कि नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट यह है आपके सामने कि G7 के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो इंडिकेटर्स हैं उनको है बेसिकली यूज करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो अब आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं यहाँ पे। क्यों गलत हैं? पहला स्टेटमेंट क्या है, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो देखो, इसमें नीति आयोग का कोई लेना देना नहीं है, यह डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसी के अंतर्गत बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है DFS, उसके द्वारा बनाया वो गया था या उसके द्वारा तैयार है वो क्या गया था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, वो हो जाता है, और UPSC एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन देखे हमें कन्फ्यूज करने की कोशिश है वो करती रहती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, G7 के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेटर्स हैं उनको यूज करते हुए बनाया गया, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। देखो, यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि G7 है उसमें तो इंडिया है ही नहीं, क्योंकि G7 में तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंडिया से नहीं, तो भाई फिर इंडिया क्यों करेगा, कि वो तो डेवलप कंट्री है। G7 में तो वो कंट्री है जो कि डेवलप है ऑलरेडी, जिसमें USA हुआ, रसिया हुआ, UK वगैरह जैसी कंट्रीज हैं वो उसमें शामिल है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये साफ साफ गलत हो गया। तो इसीलिए बेसिकली आपको बता दूं कि G20 के जो गाइडलाइंस है उनको फुलफिल करते हुए बनाया गया, ना कि G7 से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है सिर हिंद फीडर कैनाल और राजस्थान फीडर कैनाल को लेके। तो देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, बट अभी PIB में इंक्लूड था तो हमने इसे यहाँ पे देख लिया है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट ने 825 करोड़ की हेल्प है वो दी है इन दोनों ही प्रोजेक्ट को, इन दोनों ही कैनाल को, सिर हिंद फीडर कैनाल और राजस्थान फीडर कैनाल। ये दोनों ही कैनाल है वो बेसिकली पंजाब के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश है वो करती हैं, और राजस्थान के अंदर जो वाटर इश्यूज हैं उनसे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने इनको भी फंड है वो प्रोवाइड किया है, तो 825 करोड़ के। तो आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि सिर हिंद फीडर कैनाल कहाँ से रिलेटेड है, कई बार UPSC जो न्यूज़ में होता है उनके बारे में पूछ लेती है। तो ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंजाब के थ्रू राजस्थान में एंट्री की जाती है और वहाँ पे पावर इश्यू से निपटने के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सुप्रीम कोर्ट को लेके। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो लाइव स्ट्रीम है उसको अलाउ कर दिया है। जिस तरीके से देखो लोकसभा के और राज्यसभा के सेशन चलते हैं, तो हम उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लाइव उनको देख सकते हैं कैसे उन पर डिस्कशन वगैरह बहस वगैरह चल रही है। उसी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो केसेस वगैरह की सुनवाई चलेगी उनकी भी अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है ध्यान में देने लायक कि केवल वही केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी जैसा कुछ केस हो, या फिर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि नेशनल देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, मतलब वहां पे लोगों को सीखने को मिल रहा हो, उस टाइप के केसेस की ही केवल लाइव स्ट्रीमिंग है वो अलाउ होगी। ऐसा नहीं कोई मर्डर वगैरह केस चल रहा है या सारे केसेस की यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं होगी। और जो भी रहेगा इसमें वो रहेगा 10 मिनट का डिले रहेगा, मतलब कि 10 मिनट लेट चीजें यहाँ पे प्रसारित की जाएंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि देखो कई बार क्या है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए इसी बीच में वहां पे, जब भी एक तरीके से जो चल रहा हो केस वगैरह की सुनवाई, तो वो अनएथिकल हो या फिर सही नहीं हो, तो उसको रोकने के लिए ये बेसिकली 10 मिनट का डिले वगैरह रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है हमारे लिए कि केवल कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस का जो केसेस हैं उन्हीं की सुनवाई है, उन्हीं की लाइव स्ट्रीमिंग है वो हमें देखने को मिलेगी। अब देखो, इसके फायदे क्या होंगे? एक तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जुडिशियरी है वो अकाउंटेबल रहेगी कि हाँ यार लोग हमें देख रहे हैं तो हम ऐसे मनमर्जी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहेगी, जो भी जज है जो अपना स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं उनको सबको लोग देख पाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। देखो, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के सेशंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें साफ साफ दिखता है कि हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि जनता खुद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जनता को दिखता है कि भाई हमारे द्वारा चुना हुआ कैंडिडेट वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या उसने वहाँ पे जाके बातें बोली हैं, हमें तो बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, तो सब कुछ देखने को वहाँ पे मिलता है। उसी तरीके से जुडिशरी जो बातें कहती है क्या उनको इम्प्लीमेंट कर रही है नहीं कर रही, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो लाइव स्ट्रीमिंग से काफ़ी कुछ बेनिफिट हमें होने वाला है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है वायु डिवाइस को लेके। सॉरी, एक सेकेंड। देखो, जो वायु डिवाइस है इसका मतलब है विंड एग्यूमेंटेड प्यूरिफाई यूनिट। तो बेसिकली यह है वो CSIR, मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NWR, मतलब नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा ये डेवलप है वो किया गया है। देखो, बेसिकली ये वायु जो डिवाइस है ये एक्चुअली एयर को प्यूरिफाई करने के लिए है। कुछ है इस तरीके का है, आपको बता दूं।
मतलब एक तरीके के हवा को प्यूरीफाई करने के लिए डिवाइस है वो लॉन्च है वो किया गया है। तो यह बेसिकली जो हर्षवर्धन राठौड़ है उनके द्वारा इसको एक तरीके से तैयार मतलब इनोग्रेट वगैरह किया गया है। तो वो कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि वायु है क्या, यह एयर की क्वालिटी को मेजर वगैरह नहीं करेगा, यह एयर को प्यूरीफाई करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि देखो दिल्ली के अंदर बेसिकली एयर पोल्यूशन की समस्या काफी गंभीर है, और इवन दिल्ली नहीं देश की काफी सिटीज हैं जहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पे एयर को प्यूरीफाई करने के लिए यह डिवाइस है वो तैयार किया गया। इसमें होगा क्या कि जिस भी एरिया में हवा काफी ज्यादा पोल्यूटेड होगी वहां पे इस डिवाइस को लगा दिया जाएगा, फिर ये जो उसमें खतरनाक पोल्यूटेंट होंगे उनको अब्जॉर्ब कर लेगा और उनको स्टोर कर लेगा, और एयर को प्यूरीफाई है वो बेसिकली करेगा। तो इसका मेंटेनेंस वगैरह भी बहुत कम है। तो ये बेसिकली लॉन्च है वो किया गया, आपको ध्यान रखना है कि यह किस लिए। अब आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट था जो कि था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट के तहत वायु डिवाइस को तैयार है वो किया जाए, एयर को क्लीन करेगा और प्यूरीफाई करने के ऊपर फोकस इसका बना रहेगा। अब देखो हमने एक दिन टाइगर कंजर्वेशन या टाइगर रेंज के बारे में देखा था कि टाइगर रेंज कंट्रीज के बारे में, तो आज थोड़ा हम उनके बारे में और देख लेते हैं कुछ कि कौन कौन सी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि वहां पे इफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी में भी पूछ सकती है। सबसे पहली बात तो है कि टाइगर रेंज कंट्रीज होती क्या है। देखो टाइगर रेंज कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहाँ पे टाइगर फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर मतलब घूम सकते हैं। बेसिकली 13 कंट्रीज हैं जहाँ पे वाइल्ड टाइगर है वो आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चिड़ियाघर वगैरह में, देखो जू वगैरह में तो कहीं भी रह सकते हैं, फ्रीली मूव करने के लिए 13 कंट्रीज हैं, जिसमें ऊपर से स्टार्ट कर लेना आप नॉर्थ से, रशिया है, फिर चाइना है, फिर इंडिया आता है, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये बेसिकली कंट्रीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी कि इन 13 कंट्रीज में क्या है कि टाइगर है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इसी के लिए आपको पता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक अभियान भी था टी मल्टीप्लाई बाय या TX2, जो कि टाइगर की संख्या को डबल करने के लिए था कि 2022 तक में टाइगर पॉपुलेशन को एट एनी कॉस्ट डबल है वो करना है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स वगैरह थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस हैं वो किए हैं। अब एक बार हम जल्दी से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के बारे में देखा कि जो डिजिटल सेक्टर है इसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, लोगों को इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए, जो कम्युनिकेशन है इसको और इम्प्रूव करने के लिए, FDI वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली नई गाइडलाइंस पॉलिसी हैं वो जारी की गई हैं। इसके साथ हमने GST नेटवर्क के बारे में जाना और जन धन दर्शक एप्लीकेशन के बारे में जाना, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको पॉइंट को लोकेशन को लोकेट करने के लिए लॉन्च है वो किया गया है। इसके साथ हमने सिरहिंद फीडर कैनाल और राजस्थान फीडर कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में जाना, जो कि राजस्थान में वाटर सप्लाई के लिए या वाटर इश्यू से निपटने के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नेशनल इंपोर्टेंस और जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जे के केस हैं उनकी सुनवाई है वो उसको लाइव स्ट्रीमिंग है उसको अप्रूवल दे दिया कि वो भी अब लाइव स्ट्रीमिंग के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसी के साथ हमने देखा कि CSIR और NWR ने मिलकर वायु डिवाइस को तैयार किया जो कि एयर को प्यूरीफाई करने के लिए काम है वो करेगा। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। अब आपके लिए आज का एक तीसरा क्वेश्चन और है, तो उसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो क्वेश्चन में आपको मैं 4 आइलैंड बताऊंगा, उनको आपको साउथ टू नॉर्थ है वो अरेंज करना है, सिक्वेंस साउथ टू नॉर्थ है वो अरेंज करना है। पहला आइलैंड है आपके सामने कैनरी आइलैंड, दूसरा ऑप्शन आपके सामने सेचल्स आइलैंड, तीसरा ऑप्शन आपके सामने कोकोज आइलैंड और चौथा ऑप्शन आपके सामने मॉरिशस। तो इन चारों आइलैंड को आपको साउथ टू नॉर्थ है वो अरेंज करके सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में बताना है। दोबारा ऑप्शन बता देता हूँ, कैनरी आइलैंड, सेचल्स, कोको आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड, इन चारों को आपको साउथ टू नॉर्थ है वो अरेंज करने हैं। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।